बीजेपी लोकसभा की 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बची हुई 22 पर शिवसेना शिंदे और अजित पवार गुट के बीच जो बंटवारा है वो होगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा की 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि शिवसेना ने 23 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ा था। रौनक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रौनक, पिछली बार के बराबर ही सीटों पर बीजेपी इस बार भी चुनाव लड़ेगी, जबकि वो चाहते तो ज्यादा पर भी लड़ सकते थे। जी देखिए, मुख्य तौर पर फिलहाल जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक अखबार को जो इंटरव्यू दिया है उसमें इस बात का खुलासा करते हुए कहा है कि बीजेपी 26 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि जो बची हुई 22 सीटें है उस पर एनसीपी और शिवसेना यानी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच में बंटवारा जो किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और क्या इसको लेकर दो तीनों पार्टियों के बीच में कोई आने वाले दिनों में उपदेश तो नहीं सामने निकल कर आएंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जो जानकारी हमें सूत्र बता रहे कि एकनाथ शिंदे और उनके कैंप लगातार करता हुआ दिख रहा है, लगभग 20 से 22 सीटें उन्हें खुद चाहिए। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का जो बयान एक निजी अखबार को दिए इंटरव्यू में आया है, उसको लेकर निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा सकती है। और मुख्य तौर पर बीजेपी साफ तौर पर ये कहती हुई दिख रही है कि पिछले बार से भी ज्यादा एक सीट ज्यादा वो लड़ने के लिए तैयार है। और लगभग ये फॉर्मूला अमित शाह से जो मुलाकात लगातार अजीत पवार की हो रही है उसमें भी ये फॉर्मूले पर लगभग मोहर लगती हुई दिख रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या एकनाथ शिंदे इतनी कम सीटों में मानने वाले, देखना महत्वपूर्ण होगा।